नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से राजनीति का खारा में। अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि वह सत्ता में आने पर धान का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल करेंगे। कांग्रेस ने भी यही चुनावी वादा किया। जेसीसी ने सरकारी कामों में ठेकेदारी को भी खत्म करने का वादा किया है। पार्टी का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने भी यही वादा अपने घोषणा पत्र में किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कभी राज्य में कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे। 2016 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ नाम की पार्टी बना ली थी। उन्होंने सीपीआई और बीएसपी से चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। जोगी को उम्मीद है कि जब 11 नवंबर को नतीजे आएंगे तो वो किंग मेकर बनकर उभरे। अजीत जोगी का कहना है कि उनकी पार्टी और कांग्रेस के वादों में फर्क यह है कि उन्होंने 100 रुपए के स्टैंप पेपर पर लिखकर अपने वादे पूरे करने का वचन दिया है। जोगी कहते हैं कि अगर मैं अपने वादे से मुकरता हूं तो कोई भी मेरे खिलाफ शिकायत कर सकता है। इस शिकायत पर मुझे 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। जोगी ने पूछा कि क्या कांग्रेस ने वादा किया है, लेकिन जोगी ने कहा कि इस चुनाव में उनका मुख्य विरोध भारतीय जनता पार्टी से है। जोगी कहते हैं, नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसान खुदकुशी कर रहे हैं। राज्य के किसानों ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था। अंग्रेजों के राज में भी वो इतने निराश नहीं थे। किसानों के आत्महत्या करने का मतलब साफ है कि उनका इस सरकार में भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहा। जोगी व्हीलचेयर की मदद से चलते हैं, उनके साथ एक निजी एम्बुलेंस भी चलती है। 2 लोग हमेशा उनके साथ रहते हैं जो उन्हें एम्बुलेंस में बिठाने में मदद करते हैं। चलते चलते अजीत जोगी ने कहा कि चुनाव बाद उन्हें किसी भी दल से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सरकार बनाएंगे। ये कहते हैं उन्होंने अपनी बात खत्म की। अजीत जोगी को मालूम है कि यह हकीकत नहीं है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यह बात पता है। उनके बेहद करीबी लोगों में से एक ने नाम न बताने की शर्त पर हमसे कहा कि राज्य में कोई भी सरकार अजीत जोगी के बिना नहीं बनेगी। अगर कांग्रेस अजीत जोगी जी को मुख्यमंत्री का पद देने को राजी हो जाती है तो हम कांग्रेस से समझौता करने की तरजीह देंगे। जोगी की लोकप्रियता पूरे राज्य में है, खासतौर से दलितों, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच। वो आदिवासी नेता होने का दावा भी करते हैं, हालांकि इस पर विवाद उठते रहे हैं। लेकिन जोगी ने अपने चुनाव क्षेत्र मरवाही को अपना गढ़ बना लिया है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। अजीत जोगी ने कांग्रेस के टिकट पर 2003 और 2008 में से यह सीट बड़े आराम से जीत ली थी, जबकि वो यहां पर एक बार भी प्रचार के लिए नहीं आए थे। 2013 में उनके बेटे अमित जोगी ने यह सीट करीब 40,000 वोटों से जीती थी। 2018 के चुनाव में अजीत जोगी दोबारा मरवाही सीट से चुनाव मैदान में है। तो इन सब से एक बात तो जरूर साफ हो जाती है कि बीजेपी को छोड़ सभी पार्टियां चाहे एक दूसरे को जितना भी गलत बोले, बुरा भला बोले, अगर सरकार बनानी हो तो उन्हें एक दूसरे से कोई समस्या नहीं है। उनके आज के मतभेद सिर्फ और सिर्फ जनता को भ्रम में रखने के लिए हैं। चाहे जनता कांग्रेस को वोट दे या जेसीसी या फिर बीएसपी को, बात एक ही है। क्योंकि इस तरह के नेता जनता से अपने नाम और पार्टी के नाम पर वोट तो ले लेंगे, लेकिन कुर्सी के लिए जनता के वोट का गलत फायदा उठाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे वीडियोस को YouTube पर भी देख सकते हैं और हमारे ऐप को Google Play Store से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।